अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफ़त जुलेखास किचन डॉट कॉम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं बेहतरीन सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन डायनामाइट। आप चाहें तो इसे श्रिम्प, जैसे हम झींगे कहते हैं, प्रॉन्स डायनामाइट भी बना सकते हैं। वैसे प्रॉन्स डायनामाइट मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। ये जो रेसिपी है तो इतनी झटपट क्विकली बन जाती है और खाने में तो भैया बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 500 ग्राम चिकन बोनलेस है, मैंने थाई पोर्शन लिया है, आप चाहे तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। चर्बी निकाल ली है, दो तीन पानी से धो के नितार के इसके मैंने इस तरीके से मीडियम पीसेस किए हैं, क्यूब शेप में। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बड़े या छोटे। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटे चक्का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और आधा छोटे चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। या आप देख सकते हैं पेपरिका भी कश्मीरी वाला है, आप चाहे तो स्मोक्ड वाला ले सकते हैं, या फिर हमारा लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर आता है वो डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, एक अंडा डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे ढक कर साइड पर रख दीजिए आधे एक घंटे के लिए, या आप चाहें तो फ्रिज में भी ढक कर रख सकते हैं। चलिए ड्राई फ्लावर मिक्सचर बना लेते हैं कोटिंग के लिए। ये है आधा कप मैदा, एक बाउल में डालिए। इसके साथ साथ डालिए 9 टेबलस्पून जितना कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लावर जैसे हम कहते हैं, एक छोटा चाय का चम्मच पपरिका पाउडर, आप फिर से चाहें तो हमारा लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, 1/2 छोटा चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर डाल दीजिए, और 1/2 छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर डाल दीजिए। वैसे ये आधी वाली मेजरमेंट की चम्मच है, इसके लिए मैं आप देख सकते हैं 3 बार डाल रही हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए या स्वाद अनुसार डालिएगा। 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच मैं हमारा जो रेगुलर कश्मीरी का लाल मिर्च पाउडर आता है वो वाला डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये वाला जो ड्राई फ्लावर मिक्सचर है इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए मायोनीज का सॉस बना लेते हैं। ये है आधा कप मायोनीज भरकर, आप चाहे तो बाजार की ले सकते हैं, आप चाहे तो घर की भी ले सकते हैं, घर की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिए। इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर, यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ जो मेरा कश्मीरी वाला है वो, और 1/4 टीस्पून हमारा जो रेगुलर लाल मिर्ची का पाउडर आता है लेकिन वो भी कश्मीरी डाल रही हूँ, ये दोनों 1/4 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। आपके पास ये नहीं है पेपरिका पाउडर तो आप पूरा आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, और 1/4 टीस्पून सिरका डालिए। मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, आप चाहें तो आधा या 3/4 भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 6 टीस्पून जितना रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, मेरे पास श्रीराचा सॉस नहीं, अगर आपके पास वो हो तो आप वो डाल दीजिएगा। अच्छा, 6 टीस्पून मतलब 3 टेबलस्पून जितना हमारा रेड चिली सॉस डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो 3 से 4 टेबलस्पून के दरमियान डाल सकते हैं। अगेन मैं यहाँ 6 टीस्पून टमाटर सॉस डाल रही हूँ जो होता है 3 टेबलस्पून टमाटर सॉस। टमाटर सॉस आप उतना ही रखिएगा लेकिन जो स्पाइस वाला है ना आप वो बढ़ा सकते हो। वैसे प्रॉन्स डायनामाइट में है ना मैंने ये जो मायो सॉस है ना वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, उसमें मैंने टमाटर सॉस नहीं डाला है ना ही चिली सॉस डाला है, आप वो वर्जन भी देख लीजिएगा ये बनाने से पहले, तो वो शायद आपको अच्छा लगे तो आप वो वाला भी मायो सॉस बना सकते हैं, उसका रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चख लीजिए, कुछ भी कमियां ज्यादा लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून जितना हल्का सा शहद डाल रही हूँ और डालकर मिक्स कर इसे साइड पर रख देती हूँ, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो शहद मत डालिएगा लेकिन अच्छा एक अच्छा बैलेंस टेस्ट आएगा।
चलिए चिकन मैरिनेट होके 1 घंटा हो चुका है। ड्राई फ्लावर जो हमने बना के रखा है वो लीजिए, और सबसे पहले जो चिमटा आता है उससे हमारी जो चिकन है उसे मिक्स कर लीजिए। फिर एक एक करके चिकन के पीसेस लीजिए और ये जो ड्राई फ्लावर मिक्सचर के अंदर डालें, अच्छे से लोटें। चम्मच की मदद से आप चाहें तो मिक्स कर लें, या फिर ये जो चिमटा है उसी से मिक्स करें और प्लेट के ऊपर निकाल निकाल कर एक एक साइड पर रखते जाएं। इस तरीके से चिकन को जब आप फ्लावर में डालते हैं, ये मैदे के जो आटे में डालते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से उलट पलट कीजिए, तो ऑल ओवर जो हमारे चिकन के ऊपर इसकी कोटिंग चढ़ जाए। ये जब कोटिंग हो जाएंगे तो फ्राई बढ़िया से होंगे। तेल को कढ़ाई में अच्छा गरम कीजिए फास्ट आंच पर। जब अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए। अब चिमटे की मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये चिकन के पीसेस को एक एक उठाइए और गर्मा गर्म तेल के अंदर इस कदर डालते जाइए। खूब सारे मत डाल दीजिएगा, 4-5 एट अ टाइम डालिए, और अब उसे मीडियम आंच पर फ्राई करें। कुछ मिनटों के बाद, समझे ना, आधे 1 मिनट के बाद उसे पलट दीजिए, और उलट पलट करते हुए ये जो चिकन है इसे 8 से 9 मिनट तक पकाए, क्योंकि थोड़े मोटे पीस है तो पकने में थोड़ा समय लगेगा। जब उलट पलट करते हुए 7-8 मिनट हो जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली चिकन की कोटिंग जो है वो क्रिस्पी हो जाएगी। जब अच्छी क्रिस्पी हो जाए और चिकन अंदर से गल जाए 8-9 मिनट के बाद, तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए बैचेस के अंदर मीडियम आंच पर। चलिए ये मैंने सारे निकाल लिए, मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया सा मजे, बहुत ही अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। ऐसे तो चलते फिरते खावा जाते हैं। अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब आप ये चिकन के पीसेस को डाल दें ये मिक्सचर के अंदर, ड्राई फ्लावर मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लीजिए और इसी में रहने दीजिए। जब फ्राइंग का टाइम आता है तो डायरेक्टली इसे इन्हीं में से निकाल कर चिमटे से पकड़ कर डायरेक्टली डाल दीजिएगा। प्लेट वाला स्टेप एकदम स्किप कर दीजिए, अभी आपकी मर्जी, आपको जो इजी लगे आप वो वाला स्टेप कीजिएगा। जो अंडे का मिक्सचर है, अगर आपका बच जाता है तो क्या कीजिए, लास्ट वाले जो बचे हुए हैं उसे इस तरीके से अंडे में फिर से सेकेंड टाइम लोटिए, फिर से ड्राई फ्लावर मिक्सचर में डालें। तो इस तरीके से आप 2 बार अंडे में डालेंगे और 2 बार ड्राई फ्लावर मिक्सचर में डालेंगे। ऐसा करने से हमारी चीज वेस्ट नहीं होगी और अंडा फेंकने में नहीं जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गया ना। तो चलिए मैंने सारे बना लिए, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तो बने हैं लेकिन करारे और क्रिस्पी बने हैं एकदम, हाँ, क्योंकि मीडियम आंच पर काफी देर तक पके हैं। अच्छा अब आप क्या कीजिए, ये जो मायोनीज का मिक्सचर हमने बनाकर रखा है उसमें ये सारी पकी हुई चिकन डालें, बहुत अच्छे से मिक्स करें। धोए हुए लेटस के एक एक पत्ते के अंदर थोड़ा थोड़ा ये चिकन का मिक्सचर मायोनीज के साथ डालें, और इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियंस डालें छिड़कें, और गर्मा गर्म इसे सर्व करें। मैंने कुछ इस तरीके से डिश के अंदर डाले हैं और एक मैंने ये जो सर्विंग ग्लास आता है उसमें डाला है, आपकी मर्जी आप जिस तरीके से प्रेजेंटेशन करें इसका। सो ये बन गए हमारे बढ़िया से चिकन डायनामाइट, रेडी है सर्व करने के लिए। मैंने कुछ रमजान की रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं या फिर आपको अच्छी भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।